विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया? बहुत सिंपल आंसर है, क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन को कौन कंट्रोल करता है? क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन क्या आंसर होना चाहिए? सोचो, ठीक से सोचो, क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। यस, क्या होना चाहिए आंसर? क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। कुछ लोगों ने आई थिंक थ्री बोला, कुछ लोगों ने वन बोला। आई थिंक मैं एक बार रेस्पॉन्स देख लेता हूँ, ठीक है। शिवम सिंह एनसीटी और बाकी लोग, ओके। देखो यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, हु मेक्स टीचर्स, ठीक है। हु मेक्स टीचर अगर पूछेगा तो वो तुम्हारा है एनसीईआरटी, ठीक है। विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स टीचर्स, ठीक है, और टेक्स्ट बुक, तो वो एनसीईआरटी है, क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। तो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि एनसीटी क्या करता है, एनसीटी रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। हमने डिस्कशन किया था कि एनसीटी रिकॉग्नाइज करता है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, वहां पे इसको मैनेज करता है, ठीक है, मैनेज करता है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। एनसीटी का अप्रूवल चाहिए टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए। इसका मतलब क्वालिटी का काम तो एनसीटी ही करता है। क्यों? अगर किसी कॉलेज में अगर क्वालिटी सही नहीं है, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के साथ वो पालन करके नहीं कर रहे हैं, तो वो अप्रूवल हटा देता है, एनसीटी अपना अप्रूवल हटा देता है, ठीक है। तो इसलिए एनसीटी का अप्रूवल आपका क्वालिटी बताता है। जिस कॉलेज में एनसीटी का अप्रूवल है वो कॉलेज क्वालिटी में बेहतर है, ठीक है। इसीलिए एनसीटी क्या करता है, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन का क्वालिटी जो है एनसीटी तुम्हारा कंट्रोल करता है। विच इंस्टीट्यूशन मेक्स टीचर अगर पूछेगा तो वो एनसीईआरटी है। बेस्ट टीचर्स बनाने का काम एंड जो है बेस्ट बुक्स बनाने का काम एनसीईआरटी करता है। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल, मैनेज, रिकॉग्निशन, ठीक है, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल करना, मैनेज करना, रिकॉग्नाइज करना, अप्रूवल देना, ठीक है, ये सब काम जो है ये एनसीटी करता है। क्लियर है ये? सुनो, यस, हाँ, वो यूजीसी से अप्रूव्ड होता है। देखो ये जो टीचर एजुकेशन जो काम होता है ना, वो तुम्हारा होता है एनसीटी करता है, ठीक है। और जो कॉलेज का, जो कॉलेज एजुकेशन का अगर बात करें, यूनिवर्सिटी एजुकेशन का हम बात करेंगे, तो वो तुम्हारा यूजीसी होता है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, ठीक है। यूजीसी क्या होता है? यूजीसी होता है यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन को जो है कंट्रोल करता है। एंड टीचर एजुकेशन का बात करें तो वो एनसीटी करता है, ठीक है। टीचर एजुकेशन का बात एनसीटी करता है, एंड यूनिवर्सिटी का काम जो है कंट्रोल वो यूजीसी करता है। दैट्स द डिफरेंस, ठीक है, ये डिफरेंस है, आप इसको याद कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ पे एनसीटी तुम्हारा हो गया टीचर एजुकेशन में, यूजीसी हो गया यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और ये तुम्हारा टीचर एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नाम से ही पता चलता है, ठीक है। यस, बोलो, यस, हाँ, एक्रेडिटेड, हाँ, वो मतलब कुछ कुछ रहता है, लाइक कुछ कुछ उनका रैंकिंग्स होता है, कुछ कुछ पॉइंट्स होता है, वो डिफरेंट थिंग्स है, ठीक है, वो हम देखेंगे कभी, लाइक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी क्या है, ठीक है, एक्रेडिटेड, वो थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा उसमें देखना पड़ेगा एग्जैक्ट टर्म का क्या मतलब होता है। यस, बोलो, यूनिवर्सिटी का जो है रिकॉग्निशन करना, यूनिवर्सिटी को ग्रांट देना, ठीक है, यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग वगैरह निकालना, वो सब काम जो यूजीसी करते हैं। मेनली कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जो सब चीज होता है वो तुम्हारा यूजीसी करता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, रिक्रूटमेंट जो है टीचर का कॉलेज यूनिवर्सिटी में कैसे होना चाहिए, रिसर्च रिलेटेड, यस, रिसर्च को प्रमोट करता है, वो यूजीसी करता है। टीचर एजुकेशन जो है नॉर्मली तुम्हारा क्लास 11 12 तक ज्यादातर रहता है, ठीक है, वो जो तुम्हारा एनसीटी करता है, ठीक है। नहीं नहीं एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक काउंसिल है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलेट करता है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोरल वैल्यू कैन बी इफेक्टिवली इनकल्केटेड। मोरल वैल्यू को आप इफेक्टिवली कैसे इनकल्केट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन देखो,
मोरल वैल्यू को आप कैसे इनकलकेट कर सकते हो? क्या अभी ठीक है क्या? देखो सबके लिए हेजी है क्या या ठीक दिख रहा है? देखो पीडीएफ मैंने भेजा है ना, एक बार आप पीडीएफ से देख सकते हो जिसको नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो देखो इसका आंसर क्या होगा, हाँ, मोरल वैल्यू कैन बी इफेक्टिवली इनकल्केटेड इन स्टूडेंट्स व्हेन द टीचर हिमसेल्फ और हरसेल्फ प्रैक्टिस देम। क्योंकि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बोला था मिरर ऑफ द सोसाइटी भी बोलते हैं, एंड बच्चे के आइडियल होते हैं, आप जैसा काम करोगे आपको वैसा ही जो है बच्चे रिजल्ट देंगे, रिटर्न में देंगे, ठीक है? तो यस नहीं, ऐसा कोई मतलब, देखो मैं दो 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 चीज में बता रहा हूँ, ठीक है? आपने क्या है कि आपके आपने कोई नॉर्मल मूवी देखा, ठीक है? आपने मूवी देखा मैडम गीता रानी फॉर एग्जांपल, ठीक है? और आपके सामने कोई प्रिंसिपल्स ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है? आपने कोई मूवी देखा गीता रानी के ऊपर, एंड आपके कॉलेज में ही ऐसे लाइक आर आई ज्वाइन करते हो, आर आई में मैडम गीता रानी जैसे कोई टीचर है, तो कौन आपकी जिंदगी में ज्यादा इन्फ्लुएंस डालेगा? क्या वो स्टोरी जो मैंने आपको सुनाया या फिर जो टीचर जिसको आपने देखा? बताओ। बिकॉज यहाँ पे आपके मैक्सिमम सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व है, ठीक है? आपका मैक्सिमम पार्टिसिपेशन या मैक्सिमम सेंस ऑर्गन यहाँ पे इन्वॉल्व है। जब आप कोई टीचर को वो चीज करते हुए देखते हो, हु इज योर आइडियल, हु इज योर आइडियल, जो टीचर आपके आइडियल है, अगर वो टीचर कुछ काम को कर रहे हैं, दैट मीन्स आप डेफिनेटली उस काम को करोगे, ठीक है? सिर्फ किसी के बारे में स्टोरी बोलने से या किसी ग्रेट पर्सन के बारे में बोलने से बच्चे हो सकता है भूल जाए, क्लास में 100 में से शायद एक बच्चा उसको पालन करे, लेकिन टीचर खुद से अगर कर रहे हैं ना तो हो सकता है 50% से ज्यादा बच्चे उसको पालन करे। तो क्योंकि टीचर आइडियल होते हैं, टीचर एक रोल मॉडल, यहाँ पे जो कीवर्ड वो क्या है, आइडियल एंड रोल मॉडल, ये तुम्हारा कीवर्ड है यहाँ पे। टीचर बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं, आइडियल होते हैं, एंड सोसाइटी के मिरर होते हैं। इस चीज के वजह से खुद खुद से पहले आपको करना पड़ेगा। हम बोलते हैं ट्रेल ब्लेजर, अर्ली अडॉप्टर, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, तो आपको खुद से वो चीज करना पड़ेगा आप दूसरों से देखने के लिए, ठीक है? तो दैट इज द करेक्ट वन। ओके नेक्स्ट तुम्हारा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन लाइफ। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लाइफ में सक्सेस पाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में सक्सेस पाने के लिए? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, बताओ। हाँ, ह्यूमिलिटी, ओबीडियंस, हार्डवर्क नहीं, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। इसका मतलब क्या है, एक क्रिएटिव इमेजिनेशन, ठीक है? आप क्यूरियस रहोगे, अपने हिसाब से सोचोगे, तो आप जो है सक्सेसफुल होने का चांस ज्यादा है। आप सिर्फ जो है ह्यूमिलिएट रहोगे, ठीक है, विनम्रता इसको बोलते हैं, या दूसरों का सिर्फ बात मानोगे या बहुत हार्ड वर्क करोगे तो मतलब सक्सेसफुल हो गए, ऐसा कुछ नहीं। आपको कुछ लाइक खाली हार्ड वर्क करते हो, स्मार्ट वर्क बिल्कुल नहीं करते हो तो भी सक्सेसफुल नहीं बनोगे, ठीक है? आपको प्रॉपर डायरेक्टेड चाहिए, प्रॉपर डायरेक्टेड आपको बनना पड़ेगा। और आपको अगर इंडिपेंडेंट थिंकिंग आप है, आप क्या सही क्या गलत डिसाइड कर पाते हो, तब जो है आप ज्यादा सक्सेसफुल हो गए। आप सिर्फ हार्डवर्क करते हो, आपको किसी ने बता दिया कि इस तरह से मेहनत करो, लेकिन आपके दिमाग में, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया, मैंने बोला कि अगर आप जो है टीचर बनते हो ये सब आपकी जिंदगी में होगा, लेकिन आपने अगर ये चीज रियलाइज किया कि नहीं, टीचर बनने से एक्चुअल में मैं पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा सकती हूँ, मैं बच्चों की जिंदगी को चेंज कर सकता हूँ, उसके हिसाब से मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो थिंकिंग अगर आपके दिमाग में है, इंडिपेंडेंट, आपका सबका अलग अलग जो ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है? मैं सिर्फ जो बोल रहा हूँ वो ना हो कि आपके दिमाग में भी खुद आपके दिल में भी कुछ टीचिंग प्रोफेशन के लिए रेस्पेक्ट होगा, तभी आप इसमें सक्सेसफुल होगे। किसी को देख के सक्सेसफुल हम नहीं हो सकते, ठीक है? या खुद सिर्फ पढ़ाई करके से नहीं हो सकते, आपको सोच भी उस हिसाब से रखना पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग, स्वतंत्र सोच करने से ही आप जो है सक्सेसफुल बन पाओगे लाइफ में, ठीक है? क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? ये सुनो, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ अ टीचर। किसी टीचर का सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए क्या जो है एसेंशियल है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए? बहुत सिंपल है। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया, आई थिंक एक दो लोगों ने गलत। यस ऑब्वियसली मास्टर और सर, आपको कॉन्फिडेंस कौन? देखो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल टीचिंग एप्टीट्यूड, मुझे पढ़ाना नहीं आता, ठीक है, मुझे नहीं पता एक्चुअली क्या है, तो मैं अगर देखो आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पूछा लाइक डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, वहाँ पे मैं थोड़ा सा डाउट हो गया, कंसेप्ट मुझे क्लियर नहीं है वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे कंटिन्यूसली आपको पूरा एक दिन तक लेक्चर नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि मुझे सोचना पड़ेगा। मान के चलो आपने 10 क्वेश्चन मुझे पूछा और 10 क्वेश्चन में मैं आंसर नहीं दे पाया, हर क्वेश्चन में मुझे मैं बोला कि आई विल रेफर टू ए बुक एंड टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास, मैं अगर हर क्वेश्चन में आपको वो बोलूंगा तो कल नेक्स्ट क्लास जो मैं करूँगा वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस जो है कम हो जाएगा। लेकिन मैं अगर मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर सही दे पाता हूँ एंड एक दो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता हूँ तो वहाँ पे मैं जो है कॉन्फिडेंसली आपको पढ़ाऊंगा। इसका मतलब सब्जेक्ट में नॉलेज मुझे आपके सामने कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए हेल्प करता है, सिर्फ अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी से या बच्चों को दबा के कंट्रोल करने से, चुप रहो मेरा मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, ऐसे करने से नहीं होगा, या फिर बच्चों के साथ सोशल रिलेशनशिप बनने से भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। जब तक आप बच्चों के आंसर नहीं दे पाते हो, जब तक आप बच्चों को प्रॉपरली नहीं पढ़ा पाते हो, जब तक आपको कंटेंट नॉलेज नहीं है, तब तक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्योंकि हमेशा दिमाग में ये डर रहेगा कि बच्चे ने अगर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया मुझे नहीं आता। इंटर्नशिप के टाइम में बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, इंटर्नशिप के टाइम में इतना हम प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं तो थोड़ा डर लगता है कि कोई बच्चा कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दे। लाइक एक बार हुआ था हमारे लाइक किसी बैच में, मतलब हमारे ही बैच में किसी एक ग्रुप के साथ ऐसा हुआ था कि वो पढ़ा नहीं पाए, बच्चों ने कुछ बोल दिया तो वो रोने लगे, ठीक है, इस तरह से भी होता है। तो सब्जेक्ट नॉलेज आपको सबसे ज्यादा जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस दिलाएगा, ठीक है, क्लियर है? यस यस बोलो। पर्सनालिटी मैं नॉलेज कुछ नहीं है, पर्सनालिटी मीन्स योर लुक, ठीक है, आप कैसे दिखते हो, आप कैसे बात करते हो, यस योर कम्युनिकेशन, योर लुक, योर कम्युनिकेशन, ठीक है, हाउ यू आर रिएक्टिंग विद डिफरेंट इमोशन और वाइल डिफरेंट लाइक एटीट्यूड आप कैसे दिखाते हो, बिहेव कैसे करते हो, कम्युनिकेशन कैसे करते हो, यस अप्रोच, लुक, ये सब तुम्हारा पर्सनैलिटी है। तो पर्सनैलिटी बेस्ट होने से कम्युनिकेशन मतलब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, लेकिन मोस्ट एसेंशियल कॉन्फिडेंट के लिए नॉलेज है। इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, बहुत चकाचक आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, ठीक है, तो लेकिन आपको नॉलेज कुछ नहीं पता तो फिर भी आप डरोगे, ठीक है, मत दिखाओगे वहाँ के कि मुझे डर नहीं लग रहा है, लेकिन आपको वाकई में डर लग रहा होगा, तो इसीलिए जो है आपका ये वाला होगा तुम्हारा सब्जेक्ट नॉलेज। नेक्स्ट, व्हाट विल बी योर रिएक्शन एज ए टीचर When punctual students starts coming late in your class, जो actually punctual होते हैं वो late आ रहे हैं अभी, तो आप क्या करोगे? बहुत simple है, बहुत बार हमने discuss किया, ठीक है? Yes, very good. Ignore नहीं करेंगे, गाली नहीं देंगे, भागो नहीं बोलोगे क्लास से, आप रीजन जानने का कोशिश करोगे कि जो बच्चा डेली टाइम पे आता है अब वो लेट आना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब कोई रीजन हो सकता है। जैसे न्यूज़पेपर में बहुत बार सॉरी टीवी में बहुत बार ऐसे ऐड देते हैं ना कि कोई बच्चा लाइक डेली लेट आता है, टीचर उसको डेली मतलब मतलब उसको मारते हैं डेली छड़ी से, उसको एक बार मारेंगे फिर वो बच्चा बैठेगा, ऐसा हो जाता है कि वो बच्चा आते ही फिर हाथ दिखाता है, ऐसा ऐड आपने शायद देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, तो मैंने देखा ऐसा ऐड कि कोई बच्चा क्लास में आया लेट, ठीक है, टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चा लेट आया तो उसको बोले चलो हाथ दिखा, टीचर ने मारा, ठीक है, फिर जो है वो बच्चा नेक्स्ट डे फिर वो बच्चा लेट आया फिर टीचर ने मारा, ठीक है, वो नेक्स्ट 3-4 दिन होते हैं वो बच्चा आते ही ऐसे हाथ दिखाता है फिर मार खाता है ऐसे ऐसे करके फिर जाके अपने बेंच में बैठता है, ठीक है, ऐसे चलता रहता है चलता रहता है। एक दिन छुट्टी था, ठीक है, एक दिन छुट्टी था और टीचर जो है अभी मॉर्निंग वॉक या मॉर्निंग वॉक समथिंग कर रहे थे या कोई काम से बाहर गए थे, तो उन्होंने देखा, किसी को पता है आगे का कहानी क्या है? उन्होंने देखा, यस, वो बच्चा जो है अखबार बेच रहा था, ठीक है, वो बच्चा पेपर बेच रहा था और इस चीज के वजह से उसको लेट हो रहा था। एंड सिमिलर ही स्टोरी है अपने एक प्रेसिडेंट का, नाम पता है, एक प्रेसिडेंट का सेम कहानी है। यस वेरी गुड,
एपीजे अब्दुल कलाम का भी सेम कहानी है, ठीक है, तो उनका भी सेम कहानी है। तो आपको रीजन जानना पड़ेगा बच्चों को डांटने से पहले, मारने से पहले, फिर वो कितना कितना मतलब उस टीचर कितना उनको खराब लगता है, ठीक है, बहुत बुरा लगता है उन टीचर को, फिर उस एड के अंदर हमने देखा, तो ये है, ठीक है। कभी भी हम जो रीजन जानना बहुत जरूरी, फिर आप सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे, रीजन जानोगे फिर सोल्यूशन प्रोवाइड कर। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन में ये होता है कि ऐसा ऑप्शन नहीं देगा आपका, ठीक है, ऐसा ऑप्शन देगा कि ये चार ऑप्शन पढ़ गया नहीं दिया है, वहां पे पूछेगा आस्क हिज फ्रेंड, ठीक है, आस्क हिज फ्रेंड। सेकंड ऑप्शन आस्क प्रिंसिपल, ठीक है, गो टू द प्रिंसिपल, आस्क हिज फ्रेंड, गो टू द प्रिंसिपल, इग्नोर हिम, और फोर्थ ऑप्शन में कंसल्ट द पेरेंट और कॉन्टेक्ट द पेरेंट। कौन सा आंसर होगा? पेरेंट्स को कॉन्टेक्ट करना, ठीक है, पेरेंट्स को कॉन्टेक्ट करना, क्योंकि पेरेंट्स को ही पता होगा कि बच्चा घर से कब निकलता है, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा होता है ना, हमारे भी मतलब स्कूल में ऐसा हुआ कि बहुत बार ऐसा हुआ कि बच्चा स्कूल से तो घर से तो आ रहा है लेकिन स्कूल नहीं आ रहा है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़की मतलब घूम रही है, ठीक है, अपने स्कूल का बात है, ऐसा हुआ था एक बार, ठीक है। हम अटेंडेंस हम चेक कर रहे हैं, बच्चे लड़की आ नहीं रही है पढ़ने के लिए, तो फिर देखा कि वो जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है कहीं पे घूम रही है। किसी पेरेंट्स ने वो पिक्चर मतलब फोटो क्लिक करके हमारे प्रिंसिपल के पास भेजा, ठीक है, देखिए आपके स्कूल के बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा है। तो वो कब पता चलेगा हमको? जब कोई पेरेंट्स उसका पेरेंट्स बताएंगे, हम जो बच्चा जो है लेट फॉर एग्जांपल कोई आ रहा है, कोई बच्चा है बच्ची, तो उसके इसमें हमको सबसे पहला चीज़ कि पेरेंट्स ही बताएंगे, हाँ 10 बजे तो निकल गई थी लड़की या लड़का, वो तो अभी तक नहीं पहुंचा, ठीक है, तो वो पता चलेगा 10 बजे की कहाँ, ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ही पूछना है, ठीक है, पेरेंट्स को पूछना है, क्योंकि पेरेंट्स को ही पता होगा एग्जैक्टली घर से वो कब निकले, क्योंकि फ्रेंड्स तो झूठ भी बोल सकते हैं ना कि हाँ सर ऐसा ऐसा है, ठीक है, क्योंकि वो फ्रेंड है, झूठ भी बोल सकते हैं, पेरेंट्स आपको झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए स्कूल में बहुत सारा सिचुएशंस होता है, ठीक है, आप लोग भी जब टीचर बनोगे आपको भी फेस करना पड़ेगा। मतलब ऐसा भी होता है कि मतलब कोई लड़का लड़की ऐसे चले जाते हैं कहीं पे घूमने, ठीक है, और हम जो है आंसरेबल होते हैं कि बच्चा लड़की कहाँ है, लड़का कहाँ है हमारा, ठीक है, ऐसा भी होता है बहुत सारा सिचुएशन। हाँ प्रैक्टिकल कुछ भी मतलब हमने डिस्कस किया ना, एनी मतलब हाँ ट्यूशन में बताया, तो ऐसा प्रॉब्लम हाँ तो बुक में मैंने डिस्कस किया ना कि आपको अननोन प्रॉब्लम आपके सामने आएगा एंड आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, टीचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज क्या होता है? टीचर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज टू प्रिपेयर क्वेश्चन, टू मेंटेन डिसिप्लिन, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल, टू मेक स्टूडेंट्स देयर होमवर्क। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्शन सी करेक्ट। देखो क्वेश्चन पेपर बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आराम से बना सकते हो, ठीक है, किसी का कॉपी भी कर सकते हो। डिसिप्लिन मेंटेन करना भी उतना ये नहीं है, बच्चों को थोड़ा डरा धमका के डिसिप्लिन कर सकते हो या स्टूडेंट्स को होमवर्क भी आराम से दे सकते हो, लेकिन अपना पढ़ा रहे उसको एंजॉयबल बनाना एक मतलब आर्ट है, ठीक है, सबके पास नहीं, आराम से सब लोग कर सकते हैं, बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ता है इसमें, तो एंजॉय बनाना सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुड टीचर इज वन, गुड टीचर कौन है, कौन है गुड टीचर? इंस्पायर स्टूडेंट्स टू लर्न, आप जो है बच्चों को सीखने के लिए इंस्पायर करो, उत्साहित करोगे, ठीक है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं ये वाला पॉइंट पे थोड़ा स्टिक टू रहूँ, ठीक है, मतलब कोशिश करो इंस्पायर करो आपको, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो लोगों को इंस्पायर जब करते हो ना और वो डिजायर रिजल्ट निकलता है, बहुत खुशी मिलता है आपको, ठीक है, तो ये रियल लाइफ में भी है और थ्योरी में भी है। इंस्पायर स्टूडेंट्स टू लर्न क्योंकि उनको आपको बनाना है एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, उनको आपको बनाना है एक्टिव सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्टर, उनको प्रॉपर सिटीजन आपको बनाना है, ठीक है ना, तो इसीलिए उनको लर्न सीखने के लिए इंस्पायर करना जरूरी है। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल प्रिंटेड नोट्स इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतना नहीं है, बच्चों को सीखने के लिए इंस्पायर करना है क्योंकि स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन सिस्टम एक्टिव पार्टिसिपेशन एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन सब की वर्ड यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है, इंस्पायर द स्टूडेंट्स टू लर्न। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28, कुछ बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं स्कूल में, ठीक है, एंड बहुत मिस्चीवियस एक्टिविटी मतलब बदमाशी कर रहे हैं, आप एज ए टीचर क्या करोगे? टॉक टू द स्टूडेंट्स, आइसोलेट द स्टूडेंट्स, रिफॉर्म द ग्रुप विद
माय अथॉरिटी नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, मतलब मेरे अथॉरिटी से ग्रुप बना देंगे, गिव देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, वहां पे क्या करोगे, उन्हें आत्मनिरीक्षण का एक अवसर प्रदान करूंगा, क्या करोगे आप लोग, ठीक है, यस 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 वो सही होता है रीजन, तो यहाँ पे भी वही चीज है, ठीक है, आप वहाँ पे रीजन जानने का कोशिश करोगे, ठीक है, लेकिन वो वाला रीजन वाला तो ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे क्या बोला, गिव देम अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोस्पेक्शन, उनको एक अपॉर्चुनिटी दोगे कि वो जो है अपना खुद का आत्मनिरीक्षण करेंगे, इससे वो बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं, बहुत ज्यादा रेस्पेक्टफुल बन रहे हैं, या उनका ही लॉस हो रहा है, बच्चों को थोड़ा अवेयर करोगे ये जो आप मिसचीवस एक्टिविटी कर रहे हो इससे क्या आपको लाभ मिल रहा है, बच्चे खुद इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और चुप रह जाएंगे, ठीक है, मतलब सुधर जाएंगे, नॉट चुप, सुधर जाएंगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा फोर्थ वाला ऑप्शन क्या, हाँ वही बोलोगे ना, मैं अभी जो बोल रहा था कि उनको बोलोगे कि आप जो कर रहे हो, ठीक है, आप जो कर रहे हो इससे क्या फायदा हो रहा है, आपको क्या रेस्पेक्ट मिल रहा है, आपको मतलब स्मार्ट फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है, ठीक है, उसको बताओगे तो बच्चे उससे फिर देखेंगे कि हाँ सही में हमको तो कुछ नहीं मिल रहा है, हमको कुछ फायदा नहीं हो रहा है, फिर उसको अपने आप सुधरने का कोशिश करें, एक चांस उनको दोगे, नहीं हो पाता है फिर टॉक टू देम एंड काउंसिल देम, सेकंड ऑप्शन क्या होगा, टॉक टू देम एंड काउंसिल, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता ना, अगर ये गिव देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन, तो आप चूज करते टॉक टू द स्टूडेंट्स एंड काउंसिल देम, टॉक टू द स्टूडेंट्स, नो द रीजन एंड काउंसिल देम, ये वाला आंसर होता है, ऐसा क्वेश्चन आया भी है ऑलरेडी, काउंसिल देम, टॉक टू देम, नो द रीजन एंड काउंसिल देम, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक ऑप्शन दिया हुआ है, गिव देम एन अपॉर्चुनिटी, उनको एक अपॉर्चुनिटी दो ताकि वो खुद से खुद का निरीक्षण कर सके, खुद से खुद को ऑब्जर्व कर सके कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द स्टूडेंट्स इज सेड टू हैव अंडरस्टूड द सब्जेक्ट इफ ही और सी आस्क, यस यस ऑप्शन बी, डिफिकल्ट क्वेश्चन, लॉन्ग नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं, मीनिंगफुल क्वेश्चन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, मीनिंगफुल क्वेश्चन, मीनिंगफुल नॉलेज के बारे में डिस्कशन किया था, जो भी पढ़ाओगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए, तो आप बच्चों को क्या दोगे, मीनिंगफुल नॉलेज दोगे, एंड क्वेश्चन भी जो पूछोगे वो मीनिंगफुल क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, मीनिंगफुल क्वेश्चन होना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन स्टूडेंट्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्टडी, जब बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे पढ़ने के लिए, आप उस केस में क्या करोगे, टेक मोर इंटरेस्ट इन टीचिंग, मेक टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग, गिव मेरिटरियस स्टूडेंट्स एग्जाम्पल, सबसे पहला चीज आप क्या करोगे, आप अपना टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाओगे, ठीक है, आप अपना टीचिंग को पहले इंटरेस्टिंग बनाओगे, उससे भी नहीं काम बन रहा तो आप जो है अंडरस्टैंड करोगे वो क्यों नहीं समझ रहे, इंटरेस्टिंग नहीं दिखा रहा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोला जब बच्चे इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जब बच्चे इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं स्टडीज में, तो टीचर को क्या करना चाहिए, पहले आपको मोर इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब आप अपना पढ़ाई, क्योंकि देखो मैक्सिमम जगह पे ना ये माना जाता है कि गलती टीचर के अंदर है, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि स्टूडेंट को ऊपर रखा जाता है, स्टूडेंट टीचर को थोड़ा नीचे रखा जाता है, एज कम्पेयर टू स्टूडेंट, वो सेंटर में है स्टूडेंट, तो उनको हमेशा प्रेफरेंस मिलता है कि लाइक उनका कोई ज़्यादा गलती नहीं है, तो सबसे पहले अगर आप क्या करोगे, स्टूडेंट्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन द स्टडीज, टीचर शुड मेक द इंटरेस्ट, मेक द टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है, आप अपना टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाओगे, आप अपना टीचिंग मेथोडोलॉजी को चेंज करोगे, ठीक है, बट इफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन रिपीटेडली हैपेंस, इवन आफ्टर चेंजिंग द मेथड और इवन आफ्टर मेकिंग इट मोर इंटरेस्टिंग, देन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, सबसे पहले चीज कि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज है, लाइक यही चीज है कि आपको जब जैसे आप क्या क्वेश्चन, हाँ नहीं ऐसा नहीं कि ये वाला आंसर नहीं होना चाहिए, ये भी आंसर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन बात है कि फर्स्ट स्टेप, व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप इन दिस केस, आपको पहले इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है, देखो
टीचिंग एप्टीट्यूड में जैसे मैंने बोला कि आपको मोर देन वन ऑप्शन आपको सही लगेंगे, ठीक है, होंगे भी, लेकिन आपको चूज करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आपका फर्स्ट जो उसका प्रेफरेंस होगा। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, अगर इंटरेस्ट नहीं लेगा तो पहले इंटरेस्ट पढ़ाओ, ठीक है, और इवन अगर उसके बाद भी नहीं चेंज हो रहा तो फिर आप नॉलेज सॉरी आप जो है इनका रीजन जानने की कोशिश करो एंड उसके अकॉर्डिंग जो है आपको रीजन सॉरी सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होगा, रिमेडियल प्रोवाइड करना होगा, ठीक है, क्लियर। नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, आपको समझ में नहीं आया, मैंने बोला कि आपको पहले इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है, अगर बच्चे इंटरेस्ट नहीं दे रहे आपको पहले इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। अगर इंटरेस्टिंग बनाने से कि देखो यहाँ पे ये तो नहीं बोला कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो फिर भी बच्चे इंटरेस्ट नहीं दे रहे, ठीक है, ये नहीं बोला है ना, आप ऐसा नहीं बोला है कि यू आर टीचिंग इंटरेस्टिंगली बट द स्टूडेंट्स आर नॉट गिविंग इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया होता तो उस केस में ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन। यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि आप अच्छा से नहीं पढ़ा रहे हो तो पहले आप ट्राई करोगे ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप पहले दिन फर्स्ट ईयर फर्स्ट पोस्टिंग होता है आपका, ठीक है, जाते हो बच्चे आपसे अच्छे से नहीं सुनते हैं तो कैसे सुनेंगे, आप पहले इंटरेस्टिंग बनाओगे ना तो ऑटोमेटिकली बच्चे सुनेंगे। मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, लाइक दो टीचर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक जो उनके स्कूल में पढ़ा रहे हैं, दूसरा जो न्यू टीचर फॉर एग्जाम्पल है, तो जो ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो अच्छा नहीं पढ़ाते तो उतना इंटरेस्ट नहीं देंगे, ठीक है, और जैसे ही कोई टीचर मतलब वहाँ पे कोई न्यू टीचर है जाएंगे कुछ इंटरेस्टिंगली पढ़ाएंगे तो जो है उस केस में बच्चे ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट देते हैं। तो आपको पहले क्या करना होगा, टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाना होगा, ठीक है, ओके, संतोषी इज हियर, हाँ संतोषी, संतोषी मैं एक चीज आपको पूछूंगा, ठीक है, मेरा इंटर्नशिप था संतोषी के स्कूल में, ठीक है, जेएनवी अनुकूल में मेरा इंटर्नशिप था और आई थिंक मेरा फर्स्ट क्लास इन लोगों के साथ था, ठीक है, इंटर्नशिप का मेरा पहला क्लास था और उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, एक्चुअली मुझे पता नहीं क्या हुआ तो आज संतोषी से हम लोग जानेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मेरा पहला क्लास हमको न्यूली हम गए थे, ठीक है, इंटर्नशिप में हम लोग न्यूली गए थे जेएनवी अनुकूल में और वहाँ पे हमको क्या होता था कि पहले हमको अरेंजमेंट क्लास दे दिया गया ये सोच के कि ये लोग शायद इतना नहीं है कॉन्फिडेंस गेन करेंगे कुछ कुछ एडजस्टमेंट क्लास में जाके। तो क्योंकि मुझे मैं ऑलरेडी वो सब चीज़ ट्यूशन में पढ़ाता था और मैथ्स क्लास में मुझे भेज दिया गया, मुझे नहीं बोला था कि आप जाके वहाँ पे पढ़ाओ, मुझे बोला गया था कि जाके वहाँ पे अरेंज करो, मतलब थोड़ा सा देखो एडजस्टमेंट क्लास है थोड़ा सा बच्चों के साथ मिलो। तो मैं जाके एक टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद मैं क्लास के बाहर आया तो मुझे वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल मैडम थी उस टाइम में, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बोला कि कौन है जोगेश सर, मैं उनके पास गया, मुझे लगा कि कोई कुछ मैंने खास गलती कर दिया गया, तो मुझे बुलाया, आप बोले कि आप आज से मैथ्स पढ़ाओगे, जब तक आप हो आज से बच्चों को मैथ्स पढ़ाओगे। तो क्या हुआ था संतोषी वहाँ पे आपके क्लास में, आपके ही क्लास था ना, yes, sir. क्या हुआ था, एक्चुअली हाँ मैं क्या किया था, मुझे याद है कि मैं 40 बच्चे थे पूरा, ठीक है, मैंने पूरा 40 बच्चों को बुलाया था, ठीक है, जितना मुझे याद है मैंने पूरा सारे बच्चों को बुलाया, ठीक है, और सारे बच्चों को मैंने वो ये था क्लास 8 में ये लोग पढ़ रहे थे उस टाइम में, तो वहाँ पे एक लाइक मैथ्स का क्लास था, वहाँ पे था कि जो तुम्हारा डिफरेंट रूल्स है, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा बॉक्स बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे बोला कि ये जो चार प्रॉपर्टी है कौन सा होगा, कौन सा सही है, कौन सा ऐसे राइट रॉन्ग ऐसे करो, ठीक है, और विथ एग्जांपल करो। तो मैंने 40 बच्चों को पूरा बुलाया क्लास में, उस 40 मिनट्स के क्लास में 40 बच्चे आए थे, ठीक है, 40 बच्चे जो मतलब जिसका हुआ वो मतलब करके गया, जिसका नहीं हुआ वो बैठा, लेकिन मैं सारे बच्चों को वहाँ पे इन्वॉल्व किया था, दैट वॉज माई फर्स्ट क्लास, फर्स्ट मतलब जो रियल लाइफ क्लास था, एंड मुझे अभी भी याद है क्लास कैसा था और उसके क्लास के बाद क्या हुआ, अभी मुझे बोल दिया कि आप डेली वहाँ पे मैथ्स पढ़ाओ, ठीक है, तो शायद इनके क्लास में जो टीचर थे थोड़ा सा एक्टिव नहीं पढ़ाते थे, ये सुनो, हाँ मैथ्स के टीचर, एक्चुअली मैथ्स के टीचर थे लेकिन वो आप शायद उन लोग उनसे नहीं पढ़ते थे या पता नहीं क्या है रीजन, लेकिन वो नहीं पढ़ाते थे आपको, है कि नहीं, मैथ्स के टीचर थे वो कॉमन रूम में बैठते थे, मैंने उनको मिला है उनके साथ बात भी किया है, लेकिन वो नहीं पढ़ाते थे इनको, तो हम जब गए एडजस्टमेंट पीरियड में हमको भेज दिया, शायद वो टीचर्स को वो उन जो टीचर जो जो एक सर वहाँ पे पढ़ाते थे
किसी ने शायद कंप्लेन कर दिया था कि वो नहीं पढ़ाते अच्छे, इसलिए उनको क्लास ही नहीं भेजते थे क्लास एट में, ठीक है। तो हमको एडजस्टमेंट में भेज दिया, हम क्लास में पढ़ाए और उसके बाद आए तो पूरा चेंज हो गया, बोले कि आप ही पढ़ाओ अभी जब तक वो मैथ्स पढ़ाओ। मतलब कहने का मतलब ये है, बच्चे इंटरेस्टेड नहीं थे सुनने के लिए, ठीक है। हम गए, स्टार्ट किए, पूरा बच्चा इंटरेस्ट हो गया, पूरा क्लास जाके शायद वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल मैम, आप लोग शायद बोले होंगे ना प्रिंसिपल मैम को जाके, वाइस प्रिंसिपल मैम को। अच्छा, ए सेक्शन वाले ऐसे बोले थे, हाँ ए बी मुझे सेक्शन याद नहीं आ रहा है अच्छे से, लेकिन वो ऐसा हुआ था, ठीक है। तो मैं 40 बच्चों को जो बुलाया था वो ए सेक्शन वालों को बुलाया था, ठीक है। आपका शायद थोड़ा बाद में क्लास हुआ था, तो वही बात है। वो बच्चे जाके वाइस प्रिंसिपल को बोले, फिर वो मुझे बोले कि आप लोग पढ़ाओ। कहने का मतलब ये है कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं हो सकता है, लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। वंस आप इंटरेस्टिंग बनाते हो तो बच्चे ऑटोमेटिकली जो है अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए पहला चीज आपको क्या, हाँ, तो हाँ नीलब जा ना तुम्हारा नाम, सॉरी रोजालिन, रोजालिन, हाँ रोजालिन। तो आपके सेक्शन में वो बाद में वाइस प्रिंसिपल मैम के पास आप लोग गए थे ना, क्या बोल के, क्या बोल के, क्या बोल, क्या बोले थे? हाँ, वही बात है कि ए सेक्शन में वो नहीं पढ़ाते थे, बी में आई थिंक पढ़ाते थे, ऐसा कुछ था। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है पहले। मतलब मैं यहाँ पे रियल लाइफ एग्जाम्पल का इसीलिए यूज किया क्योंकि आपको पहले वहाँ पे इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप बनाओ, फिर जो है समझो कि क्यों नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा होता फॉर एग्जाम्पल कि मैं वहाँ पे पढ़ाता और फिर भी बच्चे इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे, नहीं देते, तो मैं वहाँ पे जानने की कोशिश करता कि क्यों नहीं दे रहे, ठीक है। तो इसीलिए आपको पहले खुद से इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, फिर अगर नहीं होता है रिपीटेड इवन आफ्टर चेंजिंग योर मेथड, देन आपको जो है रीजन जानना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस आता है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी था इसके ऊपर। सेकंड जो है आपको रीजन जानना पड़ेगा, अगर विद आफ्टर चेंजिंग मेथड अगर कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, बाकी 20 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके।